हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे विदिशास इंडियन किचन में। तो आज हम बनाएंगे ताज़े नारियल की बर्फ़ी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं हमें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, नारियल की बर्फी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है। हमने 3 कप ताजे नारियल को कद्दूकस कर लिया है। तो 3 कप नारियल के लिए हमने 1.5 कप चीनी लिया है। मीठा अपने हिसाब से ले सकती हैं जितना खाना हो। 1 कटोरी, इस कटोरी से हमने मिल्क पाउडर लिया है, आप अगर चाहें तो दूध भी यूज कर सकते हैं। हमने 1 कटोरी दूध लिया है, जितना चाहिए उतना हम यूज करेंगे। 1 चम्मच हमने देसी घी लिया है। बर्फी को सजाने के लिए हमने थोड़ी सी बादाम इस तरह से काट लिया है बारीक। तो हमने गैस जला कर हमने कढ़ाई रख दिया है गैस पर, इसे हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ नारियल और थोड़ा इसे हम भून लेते हैं। अब इसमें हम घी डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा भून लिए हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं शक्कर और इसे चलाएंगे धीमे में। अब इसमें हम जो दूध लिए हैं वो डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। तो हमने दूध डालकर इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ड्राई पाउडर, मिल्क पाउडर और इसे भी हम अब चलाएंगे अच्छे से मिनट होने तक। तो देखिए हमारा बर्फी का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम एक कंटेनर या प्लेट में हम निकाल के इसे सेट करेंगे। हमने इसे एक कंटेनर में डालकर सेट होने के लिए रख दिया है 1 घंटा के लिए। उसके बाद हम इसे सर्व करके दिखाएंगे काट करके। तो देखिए हमारा बर्फी अच्छे से सेट हो गया था, 1 घंटा हमने इसे सेट करने के लिए रख दिया था। और इसे हम अब बादाम से सजाकर इसे सर्व करेंगे। और हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसे गार्निश कर देते हैं बादाम से, आप अगर चाहें तो पिस्ता से भी कर सकती हैं।